नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज LSD 2 का रिव्यू। LSD 2 दिवाकर बनर्जी की फिल्म है और यह पिछली फिल्म के 14 साल के बाद आई है। न तो यह उसका सीक्वल है, न उसकी फ्रेंचाइजी है। हाँ, नाम एक जैसा जरूर है। पहली फिल्म में LSD का मतलब था लव, सेक्स एंड धोखा। इस बार भी वही मतलब है, लेकिन एक दूसरा मतलब भी हो सकता है, लाइक शेयर एंड डाउनलोड। जी हाँ, चूंकि यह डिजिटल एज की कहानी है, ऑनलाइन जमाने की कहानी है, इसलिए मैं ये व्याख्या कर रहा हूँ। मैं इसे एक समसामयिक, जरूरी और नए युग की फिल्म कहूँगा। दिवाकर बनर्जी ने कोशिश की है कि डिजिटल एज की मुश्किलों और दुविधाओं को, डिजिटल एज की चुनौतियों और परेशानियों को एक साथ वे पर्दे पे ले आए। इसके लिए उन्होंने 3 किरदारों को चुना है, नूर, कुलू और शुभम। इन 3 किरदारों के जरिए 3 एटमॉस्फेयर में रख के इनको उन्होंने अपनी कहानी पेश की है। पहली कहानी एक रियलिटी शो की है, जहाँ पे परितोष तिवारी ने नूर की भूमिका निभाई है। उनकी माँ की भूमिका महत्वपूर्ण है, मुझे उस कलाकार का नाम मालूम नहीं। ऐसा लगता है दोनों बिहार से आते हैं। उनकी भाषा में यह बात रखी गई है, पटना का भी जिक्र आया है। नूर जो लड़का पैदा हुई थी, बाद में वह लड़की बनती है, उसकी अपनी समस्या है और कैसे वह 2 साल तक अपने माँ से नहीं मिली है और अब इस रियलिटी शो के लिए उसने अपनी माँ को बुलाया है। उनके रियल ड्रामे को लेकर के इस रियलिटी शो को बढ़ाया जा रहा है। दोनों की अपनी परेशानियाँ हैं, दोनों के अपने पूर्वाग्रह हैं, दोनों के एक दूसरे के बारे में अपनी दुविधाएं हैं, जिसको पर्दे पर दिवाकर बनर्जी ने अच्छे तरीके से पेश किया है। हाँ, इसमें रियलिटी शो के जज अनु मलिक, तुषार कपूर और सोफी चौधरी की भी खास भूमिका है। उन्होंने इसको बहुत बेहतर तरीके से पर्दे पर रखा है। मुझे लगता है कि दिवाकर बनर्जी ने इस पहले एपिसोड में, नूर के एपिसोड में, ज़्यादा मेहनत की है और ज़्यादा तरीके से चीज़ों को रखा है। कुल्लू के एपिसोड में, कुल्लू बोनीता राजपुरोहित है यहाँ, और कुल्लू की कहानी थोड़ी कमज़ोर है। इसलिए कमज़ोर है कि वह पूरी तरीके से उभर नहीं पाती है और जो कहना है वह भी स्पष्ट नहीं हो पाता है, इसलिए एक दिक्कत है। बाकी बोनीता ने मेहनत की है, कोशिश की है अपने किरदार को पर्दे पर पेश करने की। तीसरी कहानी शुभम की है, जिसमें अभिनव सिंह है और उन्होंने अपने किरदार को कहने की स्क्रिप्ट के मुताबिक और स्क्रिप्ट के ज़रूरतों को ख्याल में रखते हुए बेबाकी से पेश किया है। उनमें शर्म हया अपने किरदार की तरह नहीं है और वे बखूबी जो लेखक निर्देशक का ध्येय है उसे पर्दे पर ले आते हैं और आज के ज़माने की बात भी पेश करते हैं। अब देखें, अगर तीनों कहानियों की बात करें तो ये डिजिटल एज की हमारी दुविधाएं हैं, हमारी परेशानियां हैं। इससे खास करके जेंजी की पीढ़ी जो है वह परेशान है, वह इससे जूझ रही है और इस जूझती सच्चाई को दिवाकर बनर्जी ने अपनी फिल्म का विषय बनाया है। चूंकि समय से पहले की ये फिल्म है, इसलिए बहुत सारे प्रयोग करने पड़े हैं। इस प्रयोग में दिवाकर बनर्जी पूरी कोशिश करते हैं कि वे इसको स्लीज न होने दें, इसको वैसे माहौल में न घुसाएं, वैसे डिपिक्शन में न ले जाएं जहां चीज़ें कमज़ोर, कामुक और भद्दी लगने लगे। उन्होंने बहुत संतुलन से काम लिया है और एक खूबसूरत फिल्म पेश की है। मुझे दिवाकर बनर्जी से यही उम्मीद रही है। लंबे समय के बाद वे आए हैं और मुझे लगता है कि उनका क्रिएटिव दिमाग नई दिक्कतों को जिस तरीके से आड़े हाथ लेता है, वह
लगातार जारी रहना चाहिए और पर्दे पर आना चाहिए। सभी कलाकारों ने बेहतरीन काम किया, जैसा कि मैंने कहा। दिक्कत कहाँ है, फॉर्मेट को लेके है। जब लगातार सुपर उभरते हैं पर्दे के ऊपर और हम पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत तेज़ी से ले जाते हैं, खास करके हमारी उम्र के दर्शकों के लिए ये बड़ी दिक्कत है। अब फिल्में सिर्फ देखने और सुनने की चीज़ नहीं रह गई हैं, अब फिल्में पढ़ी भी जाती हैं। बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, सिर्फ सबटाइटल्स ही नहीं पढ़ना पड़ता है, उसके ऊपर जो मैसेजेस चलते हैं, मोबाइल मैसेजेस चलते हैं, डायरेक्टर कुछ और कहना चाहता है, सूत्रधार के तौर पर डिजिटल सूत्रधार हैं ये जो पर्दे पर उभर के आते हैं। तो ये चुनौतियां हैं दर्शकों की। अगर आप इन सभी से आमना सामना कर लेते हैं तो इस फिल्म का पूरा आनंद ले सकते हैं। आप यह फिल्म जरूर देखिए और अपनी राय मुझे बताइए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।